गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मावीटी के पकवान एक नई किरण नई में नया तो के साथ मैं सैयद अमीन एक बार फिर आपको मावीटी के पकवान में इस्तकबाल करती हूं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक अदा। मैंने साथ बोलना था ना। ओहो, तो आप मुझे पहले से बताती ना कि आपका ये प्लान है, तो साथ बोल देते हैं अदा। 1 2 3 ईद मुबारक। तो जी कैसे हैं आप सब? और अदा ऑमलेट के साथ और क्या है? साथ ऑमलेट है, कीमा है, पराठे हैं, ब्रेड है, चाय है, सॉसेस वाला ऑमलेट है दा। जी 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 वाह, ब्रेड जैम सब। और आपकी कल वाली रसमलाई कहाँ है? रसमलाई तो फ्रिज में है। तो वो कब आएगी? वो कब हम खा के बताएंगे सही नहीं बनी है कि सही बनी है? अभी वो नाश्ते के बाद लाते हैं ना। और मेरा डुगु शो रहा है। तो जी ये देखें, ये वो रसमलाई है जो कि हमने रात में बनाई थी। बिल्कुल। और अदा गाढ़ी तो काफी हुई हुई है ये। गाढ़ी तो अदा ने पकाई हुई खूब है। हाँ। रबड़ी टाइप दूध हुआ है ये तो। चलो अब ये तो खा के पता चलेगा ना। मगर मम्मा, हाँ, रसमलाई क्यों नहीं लग रही? ये बेटा तुम्हारी करतूते है ना, इस वजह से नहीं लग रही। नहीं, एक बार आपने भी ट्राई करी थी, अल्लाह का शुक्र वो फूली थी। फूली थी? पूछना बाबा से, फूली थी ना, इससे ज्यादा फूली थी। इससे ज्यादा आप लोग गोल गोल में तो बड़े बड़े लिए होंगे ना, फिर मैंने छोटे छोटे लिए थे। और इसको मैं बताऊँ इसकी टेक्निक, इसको जब बना लेते हैं ना अदा, ये रिंग को जब ये गोल से बना लेते, इनको रखते नहीं है साथ के साथ दूध में डालते, साथ ही डाले थे, फिर पता नहीं बेटा क्यों नहीं फूली। चलिए बहरहाल टेस्ट करके बता देते। हाँ ये है, टेस्ट करके हम बता देते हैं आपको कि बुरी बनी है मम्मा कि अच्छी बनी है। आगे भी तो बोल रही हूँ ना। आप रुक गई थी जी। और आप लोग क्या ईद के दिन मीठा क्या क्या बना है आप लोग भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल। और आप लोगों की कुर्बानी हुई है इस दफा? हमारे यहाँ नहीं हुई है, अगले साल इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल जी। अम्मा बताइए। मामा, मैं मजाक कर रही हूँ, इतनी सख्त नहीं है। हाँ। शक्ल से भी अच्छी लग रही है। तो इसके ऊपर हम पहले थोड़ा सा दूध डाल देंगे, ग्रेवी। सही अदा, खाने के काबिल है। काबिल है, बिल्कुल है खाने के काबिल। सही, बस जरा फूली नहीं है लेकिन खाने के काबिल है, मजेदार बनी है, मजेदार। जी ये देखें, यहाँ पर हमारे शहजादे तैयार हो चुके हैं, और इनके जो हमने आपको दिखाई थी ये बास्केट, और इनकी धोती शलवार, और नीचे कमीज, और नीचे लोअर्स पहने हुए हैं ये, और ये बहुत क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप भी माशाल्लाह कहिएगा ज़रूर देख के। ये देखें कितने क्यूट से लोअर्स हैं, धोती शलवार में डुगू की, और ये रही बास्केट, और ये देखें नन्हे नन्हे से हाथों में छोटी छोटी सी डोरियाँ। तब ये तैयार हो चुके हैं और ये जा रहे हैं अपनी नानी के यहाँ, नानी के हमारी बड़ी फूफो के यहाँ जा रहे हैं अभी हम। तो जी यहाँ पर मामा पापा जो हैं तैयार हो गए हैं, और मिगाइल भी तैयार हो गए हैं, और ये रहे मामा पापा का आउटफिट आज का। और जी यहाँ पर अदा अपने बाबा और भाई के साथ खड़ी हुई है, और गोद में है बड़ी छोटे वाले, और बड़े वाले बड़ी ये हैं। और अब हम जा रहे हैं बाहर फूफो के यहाँ। तो जी इधर हम लोग घर से निकल गए हैं, और अब हम जा रहे हैं फूफो के यहाँ। तो यहाँ पर देखें बाहर आई, तो कितने सारे जानवर खड़े हुए हैं, अभी भी काफ़ी सारे की कुर्बानी भी हो गई, मगर अभी भी बहुत सारे जानवर थे। ये देखें गायें पीछे पीछे दूर दूर तक कितनी सारी गायें खड़ी हुई हैं इधर, और ये बहुत अच्छी लग रही है। तो जी इस टाइम जो है हम लोग घर से निकल गए थे, और अब हम लोग जा रहे थे बाहर नहाने के, पप्पू के जा रहे थे हम, और ईद ना हमारे ईद का नमाज वगैरह पढ़ के ईद की, उसके बाद जो है कोई हम लोग सो गए थे। हर किसी के घर में ये होता होगा, आप लोग के भी ये होता है। और बादल देखे वैसे कितने अच्छे हैं, और मैं दूसरी बार बताते जाते। तो फिर हम लोग उठे कोई 11 बजे के करीब, फिर हम लोगों ने जो है तैयारी वगैरह पकड़ी, और फिर हम 1 बजे तक पप्पू के गए। तो फिर यहाँ पर आप लोग बादल देखे कितने प्यारे बादल लग रहे हैं इधर, और आप लोग बताएं जहाँ जहाँ पर भी आप व्लॉग देख रहे हैं ये, आप लोगों का मौसम कैसा है? अच्छा है मौसम? क्या बारिश वाला मौसम है या क्लाउडी मौसम है? बताएं जल्दी जल्दी। और आप लोगों ने ईद उल अधा पे कौन सा जानवर लिया? बकरा लिया, गाय ली, क्या लिया? और ये अश्लेषी जी यहाँ पर बाबा गए हुए थे केक लेने के लिए, ये आ रहे हैं बाबा रोड क्रॉस करने के लिए, और ये बाबा आ गए थे, और ये हम जा रहे थे अपनी फूफो की यहाँ। तो ठीक है जी, यहाँ पर बाबा भी आ गए हैं, बैठ चुके थे, और अभी हम गली में एंटर हो गए, और ये देखें गायें, और इनकी इतनी सारी गायें नज़र आ रही थी, तब हम पहुँच गए हैं फूफो के यहाँ से।
तो जी इधर हम लोग फूफो के यहाँ पहुँच गए हैं और जहाँ पर गोश्त काट रहे थे, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फूफो के हमें कितना सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती है। अभी इतना ऊपर चढ़ेंगे तब फूफो। तो जी ये देखिए यहाँ पर हम अपने फूफो के आए थे और पीछे तोतों की आवाज़ें आ रही होंगी आपको, क्योंकि उन्होंने तोते पाले हुए बहुत अच्छे अच्छे और मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए वाले तोते। तो ये देखिए ये मेरी फूफो के आए हुए और ये जो मेरी कज़न है उनकी बेटी ज़ारा, उनके कपड़े हैं ये, और वो हमें कपड़े दिखाई दिए तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ मैं। और ये देखिए कितना प्यारा सा सूट लग रहा है, और जी ये रहा शाजी आपी का सूट, सेम सेम कलर है दोनों का, ग्रीन सी ग्रीन। और ये हुदी बैठे हुए ये अपने कपड़े तय कर रहे हैं। हुदी ई हाय कर दो हाय। और इस वक्त टाइम हो रहा है 4:30 का। और ये रही फूफो के दो किटी, उसका नाम है किटी, इसका नाम है टोमा, टोमा और किटी। और इधर लग रहा है दस्ते खान। ये है पिपी और इनका नाम है मिनियंस। और ये बहुत क्यूट है, छोटे छोटे से। इनका नाम है ग्रे, ग्रे नहीं रियो, रियो। और इनका नाम है ग्रे। और ये बहुत बात होती है माशाल्लाह से। पता चल गया इसको के क्या वीडियो बन रही है। तो जी अब टाइम होता है केक कट करने का। और ये हम जो असली श्री से केक ले गए थे फूफो के यहाँ, ये वो केक है, बहुत क्यूट लग रहा है ना, और यम्मी भी बहुत था। तो जी अब हम फूफो के यहाँ से वापस घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मौसम भी हो रहा है, और यहाँ पर देखें जी कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तो अभी हम आपसे घर जाके मिलते हैं, और ये अगर कोई और मौसम अच्छा सा आया या व्यू कोई अच्छा आया तो आपको वो भी दिखा दूँगी। और बारिश भी हो रही है, और बारिश भी हो रही है, बूंदे पड़ रही है अभी हल्की हल्की करके तेज़ होगी। और जी ये मौसम देखिए कितना हसीन मौसम हो रहा है, इतना प्यारा मौसम हो रहा था, और बारिश घर पहुँचते पहुँचते जो ना और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी ऐसा लग रहा है। और ये देखिए तो ये देखिए जी यहाँ पर बारिश शुरू, तो जी यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और अभी हम घर नहीं पहुँचे और बीच में बारिश होने लगी। मम्मा आप भी कुछ बोलें। मैं ये कह रही हूँ ये कहाँ आ गए हम, यहाँ पानी पानी बहुत ज़्यादा है, खड्डे में गए हैं, अब सो रहा है हमारी गोद में आगे। और ये देखें जी यहाँ पर पानी है, मैं पानी का आलम दिखा रही हूँ, काफी ज्यादा पानी भर गया इतनी सी बारिश से पहले भी, और बारिश भी बहुत तेज हो गई। और यहाँ पे खिड़कियाँ बंद करी है क्योंकि अंदर पानी आ रहा था इस वजह से। वाओ, ये हवा। तो जी जनाब यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है जैसा कि दिखाया था, ये देखें आप देख सकते हैं, और अभी तो अंधेरा है, नीचे के हाल देखिए जरा। ओह माय गॉड पानी आ रहा है बहुत, नीचे का हाल देखिए जरा, मैं कैसे दिखाऊं, ये देखिए जरा। तो जी इधर मैं बना रही हूँ पुलाव, पुलाव के लिए इधर मैं भून रही हूँ मसाला, और पुलाव मैं किस चीज़ का बना रही हूँ, वैसे गोश्त कहीं आने से नहीं था इसलिए हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे यहाँ कहीं गोश्त आएगा, मगर फिर भी हमारे बराबर वालों के यहाँ से गोश्त आया है, बीफ का गोश्त आया जिसका मैंने पुलाव बनाने के लिए रख दिया है। तो इधर मैंने जो है टमाटर वगैरह पीस लूँ, पुलाव की रेसिपी पूरी जो है हमारे चैनल पे धरी हुई है, 2-3 मरतबा धरी हुई है,
चिकन भी है बीफ भी है, तो आप अच्छे से उधर से देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं मसाला भून रही हूँ और यहाँ पर यखनी पका ली है और अब मिलती हूँ चावल पकाने के बाद। तो जी यहाँ पर खाना रेडी हो चावल। ओ वाओ अदा, खूबसूरत शक्ल, वाओ यम्मी। पानी की गोश्त का पुलाव मिल ही गया आखिरकार, मिल ही गया। और इसका तो मजा ही अलग है, कहते हैं नियत साफ मंजिल आसान। हाँ जी बिल्कुल, हो गई है मंजिल आसान हमारी। और जी चले अब हम मिलते हैं खाने के बाद। तो जी इसी के साथ साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये था हमारा ईद का पहला दिन, आप लोग भी अपनी ईद की रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। माँ बेटी के पकवान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके कमेंट बहुत शौक से पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।